टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में गोपी का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री जिया मानिक आज टीवी इंडस्ट्री की चहेती अभिनेत्रियों में से एक है, जिन्होंने अपनी क्यूटनेस और सादगी भरे अंदाज से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है। और इसी के चलते अभिनेत्री जिया मानिक अपने जीवन में कई अलग अलग तरह के चाहने वालों से मिली है, पर इनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स भी है जिसने इन्हें पाने के लिए ऐसे ऐसे काम किए है कि आज भी उसे अपना सबसे बड़ा चाहने वाला मानती है। तो आखिरकार कौन था वो जिया मानिक का फिर आशिक जिसे इन्हें पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था? अगर आप भी उसी शख्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ ही इस प्यारी सी अदाकारा के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साल 2010 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुए सीरियल साथ निभाना साथिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री जिया मानिक ने पर्दे पर आते ही सभी को इस कदर दीवाना बना दिया था और सभी का इस कदर दिल जीत लिया था कि इसकी बदौलत इन्हें टीवी पर शोज में काम करने का मौका मिला। साथ ही इनके चाहने वालों के दिल में इनके लिए ऐसी जगह बन गई कि उन्होंने इन्हें इम्प्रेस करने के लिए कई पैंतरे आजमाए। पर बात करें उस शख्स की जिसने इन्हें पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अंकित बठला है, जिन्हें आपने कलर्स टीवी के शो थपकी प्यार की वे सिर फिरे आशिक ध्रुव पांडे के रूप में देखा होगा। पर शो में तो स्टोरी के डिमांड के चलते इन्होंने कई हदें पार की, पर लगता है कि अंकित ने अपने इस कैरेक्टर से असल जिंदगी में भी कुछ ज्यादा ही इंस्पिरेशन ले ली। तभी तो अभिनेत्री जिया मानिक को पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे पैंतरे आजमाए कि आज आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक टीवी अभिनेता होते हुए ऐसा कोई कैसे कर सकता है। शुरुआत करते हैं इन दोनों की मुलाकात से। दोनों की पहली मुलाकात एक इवेंट के दौरान हुई, जहां पहली नजर में देख अंकित जिया के दीवाने हो गए थे और इसी के चलते उन्होंने जिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर जिया ने इनकी को स्टार जिज्ञासा सिंह के साथ इनके अफेयर की रूमर सुने और उन्हें गलत समझ लिया था, इसलिए वो इनकी दोस्ती से पीछे भाग रही थी। पर अंकित पर तो इनका जादू चल गया था और इसी के चलते उन्होंने इनसे दोस्ती करने के लिए काफी बार बात करनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने उनके घर पर ढेरों फ्लावर बुके और लेटर्स भिजवाए। जब अंकित ने देखा कि उनके इन्हीं सभी एफर्ट्स का भी जिया पर असर नहीं पड़ रहा, तो वो खुद ही इनके घर के बाहर काफी समय तक खड़े रहने लगे और यही सब देखकर जिया के पेरेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने जिया को समझाया कि कम से कम एक बार तो उनकी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा के देखो, शायद वो सच में इन्हें दिल से चाहते हो। यही बात सुनकर जिया ने अंकित की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो आगे चलकर आज काफी अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं, जहाँ खबरों के मुताबिक तो ये दोनों एक रिलेशनशिप में है। पर इन दोनों ने आज तक कभी भी इस बात को कबूला नहीं है, जिसका इनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अंकित बथला की तरह अपने प्यार को पाने के लिए इस तरह की हदें पार कर सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।